This video is sponsored by swadeshstore.com, a portal for all handicraft products. नमस्कार दोस्तों, मैंने कई सारे वीडियोज़ बनाए हैं जिसमें आपको वेटिंग लिस्ट के बारे में बताया है कि अलग अलग वेटिंग लिस्ट क्या होती है, उनका मतलब क्या होता है और जो नाम होता है वेटिंग लिस्ट उसका कैसे आपको मतलब निकालना है। तो अभी तक हमारे पुराने वीडियोज़ देख के आपको ये पता लग गया है कि वेटिंग लिस्ट अलग अलग प्रकार की होती है और उनका मतलब क्या होता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको कुछ टिप्स बताने जा रहा हूँ जिससे कि आप वेटिंग लिस्ट नंबर को समझकर बेस्ट ट्रेन में टिकट कर सके और आपके जो वेटिंग टिकट है उसके कंफर्म होने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो दोस्तों, इसके लिए मैंने एक उदाहरण लिया हुआ है, एक रूट आपके लिए चुना है और आप अपने केस में भी ये अपना रूट डाल सकते हैं। तो मैंने दिल्ली और जयपुर का रूट चुना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने दिल्ली अपना सोर्स स्टेशन लिखा है और जयपुर मैंने अपना डेस्टिनेशन स्टेशन, और तारीख ली है 11 मार्च की। तो दोस्तों, जैसे ही मैंने दिल्ली और जयपुर लिखा तो मेरे पास ये सारी ट्रेन्स हैं जो कि दिल्ली और जयपुर के बीच में 11 तारीख को चल रही हैं। तो अब मेरे सामने ये सवाल उठता है कि मैं इनमें से कौन सी ट्रेन में टिकट बुक करूं। सबसे पहला तो ये है कि जो मेरा टाइम शूट होगा, मुझे सुबह जाना है कि शाम को जाना है, वो तो आप उसका डिसीजन आप खुद ले सकते हैं। अगर आपकी ऐसी बाउंडेशन नहीं है कि आपको सुबह जाना है शाम को जाना है, तो मैं बताता हूँ कि आपको इनमें से कौन सी ट्रेन में जाना चाहिए ताकि आपकी जो वेटिंग टिकट है उसके कन्फर्म होने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा रहे। आइए हम देखते हैं एक एक करके। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले हम ये जम्मू एक्सप्रेस है इस पर देखते हैं। इस पर अगर हम देखें थर्ड एसी की टिकट देखें, देखिए दोस्तों, इसकी वेटिंग आ रही है वेटिंग 22 वेटिंग लिस्ट 15। अगर आपको ध्यान हो तो ये वेटिंग लिस्ट शुरू हो रही है RLWL से। तो दोस्तों, मेरे पुराने वीडियो में जहाँ मैंने बताया कि RLWL का मतलब रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट, इसका मतलब ये ट्रेन का सोर्स और डेस्टिनेशन स्टेशन दिल्ली और जयपुर नहीं है, यानी कि ये ट्रेन जयपुर से भी आगे जा रही है और जयपुर इसके बीच का एक रिमोट स्टेशन। तो जहाँ पे आपको वेटिंग लिस्ट RLWL आ जाती है, इसका मतलब उसके कंफर्म होने के चांसेस कम रहते हैं। तो एक बार के लिए हम इस वेटिंग लिस्ट को छोड़ देंगे क्योंकि ये RLWL से शुरू होता है, तो हम इसको छोड़ देंगे और हम कोई दूसरी ट्रेन में देखेंगे। देखिए, अब हम देखते हैं दूसरी ट्रेन है रानीखेत एक्सप्रेस। ये भी लगभग सेम समय पर दिल्ली से निकलती है, सुबह के लगभग 5 बजे के आसपास। अब इसमें देखते हैं, देखिए दोस्तों, ये ट्रेन भी अगर हम इसका वेटिंग लिस्ट नंबर को बहुत ध्यान से हम देखें, ये वेटिंग लिस्ट RLWL 23 है, यानी यह भी इस केस में भी जयपुर इसका एक रिमोट स्टेशन है। तो आप जब भी अपनी टिकट को बुक करें, जल्दीबाजी ना करें, जो आपका वेटिंग लिस्ट नंबर है उसको बहुत ध्यान से पढ़ें। अगर नंबर में RLWL है तो पहले आप दूसरी और ट्रेन्स को भी चेक करें। तो यही एक 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 नंबर है जिससे आप पता कर सकते हैं। आइए हम और आगे बढ़ते हैं। तो मतलब ये भी RLWL 23 है। अब देखते हैं, अब हम मान लिया जाए हम दिल्ली से अजमेर के बीच की दूरी ज़्यादा नहीं है, हम चेयर कार में भी जा सकते हैं। अगर हम चेयर कार में देखें, अब आप ये देखिए, अब यहाँ पे आपको अंतर साफ समझ में आ जाएगा। अब दिल्ली से अजमेर यानी कि जो ट्रेन है उसका सोर्स स्टेशन दिल्ली है और जो उसका डेस्टिनेशन स्टेशन जयपुर यानी कि अजमेर, जो कि जयपुर से एक से सवा घंटे की दूरी पर है, तो बहुत नज़दीक। तो यहाँ पे आपको GNWL वेटिंग मिली है। तो आप देखिए, GNWL का मतलब, जो कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ, ये होती है जनरल वेटिंग लिस्ट, यानी कि इस वेटिंग लिस्ट में सबसे ज़्यादा कोटा होता है, यानी इस लिस्ट के कंफर्म होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होता है।
सबसे पहले GNWL यानी कि जनरल वेटिंग लिस्ट कंफर्म होगी, उसका नंबर आएगा। फिर जो रिमोट RLWL वेटिंग लिस्ट है उसका नंबर आएगा। तो दोस्तों अगर हम देखें, अगर आप मेरे से ये सवाल पूछें कि देखिए यहाँ पे आपको मिल रही है GNWL 31 WL 24 यानी कि आपका वेटिंग लिस्ट नंबर है 24। अगर अब अगर हम आगे जाते हैं रानीखेत एक्सप्रेस में देखें इसको, यहाँ पर हम फिर से गौर करें, यहाँ पर ये GNWL 24 और अगर हम रानीखेत एक्सप्रेस जो कि देखिए RLWL 23 और वेटिंग लिस्ट 20। अब यहाँ पर बहुत गौर करने वाली बात है, इसी ट्रैप में हम फंसते हैं, इसको हमें बचना है। यहाँ पर आपको वेटिंग लिस्ट मिल रही है 20 और ये वेटिंग लिस्ट है RLWL यानी कि रिमोट लोकेशन, यानी कि आपको जर्नल में मिल रही है 24 और रिमोट में मिल रही है 20। तो आप यही सोचेंगे कि 20 24 से कम है तो मैं 20 वेटिंग लिस्ट को तुरंत बुक लूँ। नहीं, आपको इस ट्रैप से बचना है कि सबसे पहले आपकी जो GNWL 24 है वो बुक होगी, उसकी कंफर्मेशन मिलेगी और उसके बाद इसको मिलेगी। मतलब इसके बुक होने के चांसेस बहुत कम हैं अगर हम कंपेयर करें हम अजमेर शताब्दी की इस टिकट से, अगर हम कंफर्म करें तो, क्योंकि ये GNWL है और 24 है और वो है RLWL 20। तो आपको हमेशा उस ट्रेन में टिकट कंफर्म करनी है जहाँ पे आपको GNWL वेटिंग मिल रही है, यानी कि इसका सबसे ज़्यादा कोटा होता है। देखिए तो अगर आइए हम कुछ और ट्रेन्स में देखते हैं, ये हम आश्रम एक्सप्रेस में देखते हैं। देखिए आश्रम एक्सप्रेस में भी GNWL वेटिंग है और 54 नंबर इसके भी कंफर्म होने के चांसेस हैं। तो मैं आपको कहूँगा जहाँ RLWL वेटिंग है, RLWL अगर हम यहाँ देखें, हम देखें रानीखेत एक्सप्रेस जो कि RLWL 20 है और अगर हम इस ट्रेन में देखें आश्रम में, यहाँ पर RLWL 54, तो GNWL 54, तो GNWL 54 जल्दी आपकी कंफर्म होगी एज कम्पेयर टू RLWL 20 के। तो हमेशा आपको लगभग लगभग आपको ये देखना है कि आप GNWL पे ही जाएं, तो ऐसी ट्रेन ढूंढें जो कि GNWL वेटिंग आ रही हो। तो दोस्तों अभी तक आपको ये पता लग गया कि किस ट्रेन में करना है किस में नहीं करना है। आपको पहले सारी ट्रेन्स देखनी है जो आपके शेड्यूल में फिट होती है, सबसे पहले उस ट्रेन को पकड़ना है और उन ट्रेन्स में भी उन ट्रेन्स को पिकअप करना है जिसमें आपको वेटिंग लिस्ट मिल रही है GNWL यानी कि जनरल वेटिंग लिस्ट। अगर आपको किसी ट्रेन में RLWL यानी कि रिमोट वेटिंग लिस्ट मिल रही है और वो आपको कम है, मान लीजिए इसमें जैसे मैं रानीखेत एक्सप्रेस में आपको बता रहा हूँ कि सिर्फ 20 है और यहाँ आपको मिल रही है 54, तो फिर भी आप 54 को बुक कीजिए, क्योंकि ये है, क्योंकि ये सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में होती है, इसका कोटा ज़्यादा होता है और इसमें आपको फास्ट ज़्यादा होता है। तो ये तो एक ट्रिक थी। तो ये जनरली आपको वेटिंग लिस्ट आपको कैसे सेलेक्ट करनी है ये मैंने बताया। तो आपको सारी ट्रेन्स ढूंढ लेनी है और उन ट्रेन्स को वेटिंग लिस्ट के हिसाब से आपको सेलेक्ट करना है। तो जैसे आपने ये भी देखा कि कई और तरह की भी वेटिंग लिस्ट होती है, लेकिन आपको हमेशा प्रेफरेंस देनी है GNWL। मैं आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके काम आया हो, आपको इससे मदद मिली हो। तो आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।